हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हमने सी लैंग्वेज में यूज़ होने वाले कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर्स को एक्सप्लेन किया है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे शेयर और लाइक करना ना भूलें, और हाँ, अगर ना पसंद आए तो डिसलाइक करना भी ना भूलें। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोडिंग लिखने के लिए हम कैरेक्टर सेट्स का यूज़ करते हैं। सी लैंग्वेज का जो कंपाइलर होता है वो हमें कई तरह के कैरेक्टर्स को अपने कोडिंग में यूज़ करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। लोअर केस लेटर्स में हम स्मॉल ए से लेके जेड तक, अपर केस लेटर्स के साथ कैपिटल ए से लेके कैपिटल जेड तक, और अगर हम डिजिट्स की बात करें तो 0, 1, 2, 3 अप टू 9 तक यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही हम अगर स्पेशल सिम्बॉल्स या अदर कैरेक्टर्स की बात करें तो यहाँ पर हम प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, ब्रैकेट का साइन, अंडरस्कोर का सिंबल, ये सब यूज़ कर सकते हैं। अगर हम बात करें वाइट स्पेसेस की तो यहाँ पर हम ब्लैंक, न्यू लाइन, टैब, स्पेस, ये सब यूज़ कर सकते हैं। बात करते हैं कीवर्ड्स की तो कीवर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो किसी भी लैंग्वेज कंपाइलर के लिए स्पेशल मीनिंग कन्वे करें। इन कीवर्ड्स को हम किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल के लिए हमने लिखा है इंट मनी। यहाँ पर जो इंट लिखा हुआ है ये कीवर्ड है, और ख़ास बात जो कीवर्ड्स के लिए हैं वो ये कि सभी कीवर्ड्स सी लैंग्वेज के अंदर स्मॉल लेटर्स में होंगे। यहाँ पर मैंने आपको सी लैंग्वेज में यूज़ होने वाले सभी कीवर्ड्स की लिस्ट दी है। अब हम बात करते हैं सी लैंग्वेज में यूज़ होने वाले आइडेंटिफायर्स की। तो आइडेंटिफायर्स प्रोग्राम के किसी भी पार्ट को अगर हम किसी भी टाइप का नाम देना चाहते हैं तो हम आइडेंटिफायर्स का यूज़ कर सकते हैं। आइडेंटिफायर हमेशा यूनिक होना चाहिए, ये इस बात का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर हमने एक एग्ज़ाम्पल लिया है फिर से इंट मनी, और सेकेंड एग्ज़ाम्पल लिया है डबल अकाउंट बैलेंस। यहाँ पर मनी और अकाउंट बैलेंस एज अ आइडेंटिफायर हम अपने प्रोग्राम के अंदर यूज़ कर सकते हैं। आइडेंटिफायर को डिक्लेयर करने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं जो हमें हमेशा फॉलो करने पड़ेंगे। किसी भी आइडेंटिफायर के अंदर अपर केस या फिर लोअर केस लेटर्स हो सकते हैं। इसके साथ ही साथ डिजिट और अंडरस्कोर्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट लेटर किसी भी आइडेंटिफायर का लेटर या फिर अंडरस्कोर होना चाहिए, यह डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता। आप किसी भी कीवर्ड को एज अ आइडेंटिफायर यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये स्पेशल वर्ड्स होते हैं जो कि लैंग्वेज कंपाइलर के लिए रिजर्व्ड होते हैं। इसके बाद सबसे लास्ट में अगर हम बात करें तो किसी भी कीवर्ड को डिक्लेयर करने के लिए उसके लेंथ के लिए कोई रूल नहीं है, बट सी लैंग्वेज के किसी किसी कंपाइलर में 31 कैरेक्टर से ज़्यादा मैक्सिमम साइज़ नहीं लेता किसी भी आइडेंटिफायर का।